वेलकम टू सुनो हिंदी स्टोरी कार्टून। एक समय की बात है, शहर के एक पेड़ पर एक टूनी चिड़िया रहता था। वो चिड़िया बहुत ही खास था, क्योंकि जब कभी भी वो अपना मल त्यागता था तो वो जमीन में गिरकर सोने का बन जाता था। इस तरह के चिड़िया के बारे में ना तो कभी किसी ने सुना था और ना ही कभी किसी ने ऐसा चिड़िया देखा था। शहर के किसी भी व्यक्ति को इस बात की खबर नहीं थी कि वहाँ एक ऐसा चिड़िया भी है। एक दिन उस शहर का एक मुसाफिर चलते चलते थक कर उस पेड़ के नीचे रुक गया ताकि वो थोड़ी देर आराम कर सके। जब वो आराम कर रहा था तब ऊपर बैठे टूनी चिड़िया ने सोचा कि क्यों ना इस व्यक्ति की थोड़ी सी सहायता की जाए। ये सोचकर टूनी चिड़िया ने उस व्यक्ति के बाजू में अपना मल त्याग दिया। ये देखकर वो व्यक्ति हैरान हो गया। व्यक्ति ने उस सोने को उठाया और उसे लेकर खुश हो गया। फिर उसके अंदर की लालच और बढ़ने लगी। ऐसे में वो टूनी चिड़िया को पकड़ना चाहता था। टूनी चिड़िया को पकड़ने के लिए उसने जमीन पर एक जाल बिछाया और उस जाल में टूनी चिड़िया फंस गई। टूनी चिड़िया को पकड़कर वो व्यक्ति उसको अपना घर ले गया। घर ले जाकर वो इस बात का इंतजार करने लगा कि कब वो चिड़िया अपना मल त्याग करेगा और इससे उसे सोना मिलेगा। ये सब सोचते सोचते उसके दिमाग में एक दूसरा ख्याल आया। वो सोचने लगा कि अगर राज्य के राजा को ये चिड़िया भेंट किया जाए तो वो उसे बहुत सारा इनाम दे देंगे। उसके बाद वो व्यक्ति टूनी चिड़िया को ले जाकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा के पास जाकर उसने बताया कि ये चिड़िया आम चिड़िया नहीं है, बल्कि ये एक खास चिड़िया है जिसका मल सोने में बदल जाता है। ये सुनकर राजा ने उस चिड़िया को अपने पास रख लिया। कुछ देर बाद राजा के पास एक मंत्री आया और उनसे बोला, महाराज ये सब बातें बकवास है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई पंछी सोने का मल त्याग करता है? इसलिए आप इस पंछी को छोड़ दीजिए और अपना समय बर्बाद ना करें। ऐसे में राजा मंत्री की बात मानते हुए उस टूनी चिड़िया को सोने का आदेश दिया। जैसे ही टूनी चिड़िया उड़ने लगा तब उसने दरबार में अपना मल त्याग दिया और उसका मल फर्श में गिरते ही सोने का बन गया। ये देखकर राजा सचकित रह गया और उन्होंने उस मंत्री को आदेश दिया कि वो किसी भी तरह से उस चिड़िया को पकड़ कर ले आए। उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया ने कहा, मैं बेवकूफ था जो उस व्यक्ति के सामने अपना मल त्यागा। वो व्यक्ति बेवकूफ था जिसने मुझे राजा को दिया और ये राजा बेवकूफ है जिसने मुझे यहाँ से जाने दिया। इस राज्य में तो सबके सब बेवकूफ हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर कोई हमें सलाह दे रहा है तो हमें उस सलाह पर अच्छे से विचार करना चाहिए और फिर उस पर निर्णय लेना चाहिए।